सारी चीजों को मैं टाइम देती हूँ एंड दैट्स व्हाई आई हैव द बुक इन माय हैंड बिकॉज आई हैव जॉट डाउन व्हाट एवर आई फेल्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस व्हेन आई वोर इट. आई टेल यू व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इमीडिएटली. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल पे. कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज फाइन विथ यू ऑल. दोस्तों, जैसे आप टाइटल्स देख सकते हो, आज की वीडियो में भी बात करने वाले हैं परफ्यूम्स के बारे में. एंड आप लोगों को पता ही है मुझे परफ्यूम से बहुत ज्यादा प्यार है. अप टू लाइक यू नो वेयर इंस्पायर्ड एंड प्रीमियम फ्रेग्रेंसेज, यस. बट जो प्रीमियम एंड लग्जूरियस फ्रेग्रेंसेज होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं, तो क्या करें, अपनी इच्छाओं को मार दे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं हूं आप लोगों के लिए, हेल्प करने के लिए. आप लोगों को अगर कोई भी डिजाइनर इंस्पायर्ड परफ्यूम्स लगाने का मन हो तो फिर ड्यूप हाउसेज हैं. और मैंने अपनी चैनल पे ड्यूप हाउसेज के बारे में बात करी है. आई हैव ट्राइड मेनी ड्यूप हाउसेज जो एक्चुअल में जो परफ्यूम होता है उसका 80-90% मैचिंग फ्रेग्रेंस बना लेते हैं. पर लगा है एक बहुत ही अमेजिंग ड्यूप हाउस एंड आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं. सो सबसे अफोर्डेबल है अभी तक जितना भी मैंने बताया ना आप लोगों को, ये सबसे अफोर्डेबल है. एंड इनके पास 10 ml के भी वेरियंट अवेलेबल थे. 10 ml एक अच्छा क्वांटिटी भी है, आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो. अगर फ्रेग्रेंस अच्छी लगी तो फिर आप बड़ी बॉटल में इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर आपको फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आई तो आपका ज्यादा पैसा भी वेस्ट नहीं होता है, राइट. एंड आई हैव 5 fragrances टू टॉक अबाउट इन द वीडियो एंड दे कम इन दिस वेरी क्यूट पैकेजिंग. सो जो ड्यूप हाउस के बारे में बात कर रही हूँ वो है प्लैटिनम परफ्यूम्स. मुझे इंस्टाग्राम से पता चला और जैसे ही मुझे पता चला मैंने 10 ml के 5 fragrances मंगवा लिए दैट आर द वेरी लग्जूरियस एंड प्रीमियम फ्रेग्रेंसेज. ओके, प्लैटिनम परफ्यूम्स के पास तो बहुत अमेजिंग स्टॉक है यार. मतलब आई वॉज सो इम्प्रेस्ड. मैन भी ले सकते हैं. अगर मैन का अगर आप कैटेगरी देखोगे ना, बहुत सारी लिस्ट है उनके पास एंड दे मेक द क्लोन्स. तो आज के वीडियो में मैं कंप्लीटली रिव्यू देने वाली हूँ एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैंने जो फ्रेग्रेंसेज लेनी थी मैंने उनसे मंगवाई है अपने पैसों से. ओके, सो इट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. जो भी होगा ऑनेस्टली आपको बता दूंगी कि मुझे कैसा लगा. अब जिस ऑर्डर में मैं फ्रेग्रेंसेज को बताने वाली हूँ उसी ऑर्डर में मुझे ये पसंद आई है तो उसी ऑर्डर में हम जाएंगे. 10 ml का रीजन ये है कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी परफ्यूम्स है, राइट. एक तो देखो 10 ml इज कॉस्टिंग ओनली 120 rupees. सो आपको बहुत सारी अमेजिंग फ्रेग्रेंसेज ट्राई करने मिलती है. जैसे 10 ml में ले सकते हो, आपको इतनी अच्छी अच्छी अलग अलग फ्रेग्रेंसेज वेयर करने मिल जाती है, राइट. पैकेजिंग इज रियली वेरी क्यूट. और ये 10 ml का रीजन क्या है पता है, इतनी प्रीमियम फ्रेग्रेंस आपके साथ कैरी भी कर सकते हो. यू नो कि जो लिंक है ना इंस्टाग्राम की वो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट. इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करो और आप उनका व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हो. व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. और एक बात से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस थी कि प्लैटिनम परफ्यूम के जो मैंने कलेक्शन देखा ना, उनका कलेक्शन बहुत अच्छा है. लाइक दे हैव ऑलमोस्ट ऑल द लग्जूरियस एंड डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज, मेन के कहो या वेमेन के कहो. सबसे पहले पसंद मुझे सबसे ज्यादा आया है 5ों में से वो है ये वाला. दिस इज कोको मैडम मोजेल. मुझे बहुत लंबे टाइम से ये लेना था ये फ्रेग्रेंस एंड दिस इज द राइट टाइम आई ग्रैब्ड इट. मैडम मोजेल की जो नोट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और जो परफ्यूम है उसका पिक मैं यहाँ पे दे दूंगी फ्रेंड्स. सो यहाँ पे मैंने इसे स्प्रे किया है. नाउ दिस फ्रेग्रेंस हैज माई हार्ट बिकॉज इसके जो टॉप नोट्स है ना बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड सिट्रस है एंड आई लव द फ्रेग्रेंसेज विच यू नो हैव दैट सिट्रस टार्ट. सो यू हैव ऑरेंज, मैंडरिन, बर्गमॉट एंड ऑरेंज ब्लॉसम गोइंग ऑन. तो फर्स्ट नोट बहुत ही अच्छी है इसकी, फ्रेश एंड सिट्रस है. एंड द मिडल में ना आपको फ्लावर्स मिल जाते हैं जैसे कि टर्किश रोज है, यू हैव मिमोसाज, ईलैंग है, यू हैव जैसमिन. सो नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग मिडल नोट्स है फ्लोरल. सो इट हैज एम्बर फ्लोरल फ्रेग्रेंस जो इसका बेस है बहुत ही अमेजिंग है. इसमें पचोली है, वाइट मस्क है, वनीला है, वेटीवर, टोका बीन्स जैसे नोट्स मिल जाते हैं. कोको मैडम मोजेल इज लाइक अ अल्टीमेट फेमिनाइन सेंट, हर किसी को पसंद आए. ये क्राउड प्लीजर फ्रेग्रेंस है. ओके, सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट. सो आप प्लैटिनम परफ्यूम्स अगर कुछ चाहते हो, 30 ml का भी ट्राई करना चाहते हो ना, यू कैन गो फॉर दिस वन इफ यू आर अ पर्सन हु लव्स सिट्रस फ्रेग्रेंस. ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है समर में तो बहुत अच्छे से वेयर कर पाऊंगी. दिस इज ऑल सीजन फ्रेग्रेंस. इट्स सच अ वुमनली, एलिगेंट, लग्जूरियस फ्रेग्रेंस, बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग है. और मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्टर्निंग फ्रेग्रेंस, ठीक है. फ्लोरल पसंद है आपके परफ्यूम में तो आप कोको मैडमोजेल को डेफिनेटली ट्राई दे दो, यू विल लव इट. इसके अंदर दो जो नोट्स हैं मुझे ज्यादा आती हैं, जो है जैस्मिन एंड पचोली की. इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पचोली सेंट एंड आई लव इट. आई लव फ्रेग्रेंसेज विच हैज पचोली. दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. प्लैटिनम परफ्यूम्स इफ यू आर लिसनिंग, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब विद कोको मैडमोजेल. Thumbs up for this one. It's really very pretty. Okay, moving on to the second one. I took this Lancome's La Vie Belle. एंड ये इस तरह से ब्लू कलर के लिक्विड में आई है. मैं आपको ओरिजिनल का पिक यहाँ पे दे दूंगी और उसके नोट्स यहाँ पे दे दूंगी. सो इसको स्प्रे कर लेती हूँ क्विकली. एटोमाइजर वर्क्स रियली नाइस.
कोको मैडम मोजाइल से कंप्लीटली डिफरेंट है ये लैंकॉम की लाविया बेल फ्रूटी फ्लोरल गोमान फ्रेग्रेंस. ओके, और जब ये मेरे हाथ में आती है ना कोई भी परफ्यूम, तो मैं इसे अच्छे खासे वेयर कर लेती हूँ ना. फ्रेग्रेंसेस को पहली बार में आप जज नहीं कर सकते हो, आपको टाइम देना होता है आपकी बॉडी केमिस्ट्री के साथ वो कैसे वर्क करता है एंड यू नो कौन सी नोट्स सबसे अच्छी आती है. तो वो सारी चीज़ों को मैं टाइम देती हूँ एंड दैट्स वाई आई हैव द बुक इन माई हैंड बिकॉज आई हैव जॉट डाउन वॉट एवर आई फेल्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस वेन आई वोर इट. ओके, इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स, यू नो, मतलब फ्रूटी गोलमान मैंने बहुत सारे परफ्यूम से देखा है लेकिन ये लाविया बेल कंप्लीटली अलग है, हटके है. कोई टॉप में ना फ्रूटीनेस मिल जाता है आपको ब्लैक करंट एंड पेयर का, विच दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब विद. जैसे ही स्प्रे करते हो ना एक मूड अपलिफ्ट हो जाता है. ओके, बहुत ही ज्यादा डिलिशियस है इसका स्टार्ट. देन मिडिल में ना आपको मिल जाता है आयरिस, जैस्मिन, ऑरेंज ब्लॉसम जैसे फ्लोरल एलिमेंट्स एंड इन द बेस यू हैव प्रलीन. ओके, प्रलीन डाला गया है, वनीला है, पचोली है, यू हैव टॉका बीन्स. नाउ देखो जो भी फ्रेग्रेंस के अंदर वनीला होता है ना वो बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव होता है एंड इट हैज माई हार्ट, लाइक यू नो आई के नॉट एक्सप्लेन यू. एंड इसके अंदर ना आयरिस एंड जो प्रलीन मैंने कहा ना वो एक ऐसा एक हिट करता है एक फ्रेग्रेंस, इस वाली फ्रेग्रेंस में स्पेशली ऐसा लगता है कि यू आर वॉकिंग इन टू अ ब्यूटी स्टोर. करते हो तो सारा जो मेकअप होता है, जो लिपस्टिक्स है, कॉम्पैक्ट पाउडर्स रखे हुए हैं, सबका जो मिक्सचर का जो फ्रेग्रेंस आता है, इट हैज दिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इन टू इट विच मेक्स इट सो ब्यूटिफुल. जब मैंने यहाँ पे इसे स्प्रे किया है ना, माई हाउस राइट नाउ इज स्मेलिंग लाइक अ ब्यूटिफुल कॉस्मेटिक शॉप. आई हैव रिटन हियर अ स्वीट फेमिनाइन विमेनली सेंट, लाइक आई टोल्ड यू, लाइक यू नो ऐसा है. और यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस फ्रेग्रेंस विल डेफिनेटली रिसीव लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, लाइक आपके आस पास से जो गुजरेगा ना वो डेफिनेटली पूछेगा वॉट आर यू वेयरिंग, इट्स सच अ ब्यूटिफुल वन. सो और इसकी खास बात मैंने नोटिस करी जब मैंने इसे वेयर किया था, मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया है, इट हैज अ सेंट सॉफ्ट चोली ड्राई डाउन. सो इसका जो ड्राई डाउन है मुझे बहुत अच्छा लगा था. 4 to 5 hours तो ये था मेरे कपड़ों पे और उसके बाद जो पचोली की ड्राई डाउन आ रही थी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इस फ्रेग्रेंस की, इसलिए मैंने लिखा हुआ भी है. ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो आप वेयर कर सकते हो इन योर डेली ऑफिस वेयर, ऑल्सो इट कैन बी अ सिग्नेचर फ्रेग्रेंस. और ये आप पार्टीज में एंड ऐसी ओकेजन पे भी वेयर करोगे, इट विल गिव यू अ वेरी नाइस ग्रैंड एंट्री एंड यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स विद लैनकॉम्स लाविया बेल. कमिंग टू द थर्ड वन, आई टुक अ कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस दैट इज फ्रॉम क्रीड. ओके, क्रीड का वर्जिन आइलैंड वाटर. नाउ लुक एट द बॉटल एंड लुक एट द कलर, इट्स सो ब्यूटिफुल. मैं इसे कैरी भी करती हूँ ना, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये कौन सा परफ्यूम लेके घूम रही है भाई ब्लू कलर का. नाउ दिस वन आई शो यू द पिक ऑफ द बॉटल हियर एंड द नोज ओवर हियर, लेट मी जस्ट क्विकली स्प्रे दिस वन, इज सो ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस फ्रेंड्स. वाओ, ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है घर में सभी इंजॉय करेंगे, इवन माई किड, लाइक यू नो ही इज 10 नाउ एंड ही ऑल्सो इंजॉयज इट. माई हस्बैंड लव द फ्रेग्रेंस बट उन्हें कोकोनट का जो वाइब आता है इसमें वो पसंद नहीं है, ही डजंट इंजॉय दैट मच, बट मुझे बहुत अच्छी लगी ये फ्रेग्रेंस. थर्ड नंबर पे मैं रखूंगी क्रीड का वर्जिन आइलैंड वाटर. नाउ इसकी जो स्टार्ट है वो सिट्रस है. ओके, नो डाउट सिट्रस है, यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मैंने लिखा हुआ है सिट्रसी कॉकटेल है बेसिकली ये वाला. यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस, लाइक अगर आप वेकेशन पे हो आप इसे कैरी करके जाओ, टोटली डिफरेंट. मैं बताऊँ आपको क्यों. टॉप में आपको मिल जाता है कोकोनट, लाइम, बर्गमोट एंड सिलिशियन मैंडरिन एंड इट्स सो डिफरेंट. माई गॉड, इसका जो कोकोनट का मिक्सचर है बर्गमोट के साथ, ओ माई गॉड, दैट ओपनिंग इज सो 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 गुड. इफ यू डू नॉट लाइक कोकोनट प्लीज डू नॉट ग्रैब दिस वन. ओके, आई एम स्ट्रेट अप टेलिंग यू दैट. मिडिल में आपको मिल जाता है जिंजर, ईलैंग ईलैंग, जैस्मिन एंड हिबिस्कस. सो यू हैव दैट फ्लोरल टच विद अ जिंजर इन टू इट, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉकटेल जैसा वाइब है इस फ्रेग्रेंस का. एंड देन यू हैव बेस में वाइट रम, शुगरकेन एंड मस्क. देखो कॉम्बिनेशन ही देखो यार, इनके नोट्स देखो, मतलब क्या फ्रेग्रेंस है. लेट मी टेल यू, परफेक्ट बीच वेकेशन फ्रेग्रेंस है ये वाली. ट्रॉपिकल सेंट है कम्प्लीटली एंड दिस वन इज सच एन ईजी टू वेयर फ्रेग्रेंस. लाइक इतनी कॉम्प्लेक्स नोट होके हमें लगता है ना कि यार मैं वेयर करूँगी कैसी, मेरी बॉडी केमिस्ट्री कैसा जाएगा. इट जस्ट वर्क्स फैंटास्टिक, इट्स वेरी ईजी ब्रीजी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. बट येस, डेफिनेटली अगर आप कोई एक सीरियस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर कोई यू नो इवेंट अटेंड करने जा रहे हो, आई वुडंट वेयर दिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स के लिए ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है, बट अ वेरी हटके फ्रेग्रेंस एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई ट्राइड दिस वन. ओके, मूविंग टू द फोर्थ वन, आई टुक हिप्नोटिक पॉइजन फ्रॉम डियोर. नाउ सो अगेन इन अ ब्लू कलर. ओके, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हिप्नोटिक पॉइजन, इसे स्प्रे कर लेती हूँ. नाउ दिस वन इज ऑन द फोर्थ नंबर, अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, नहीं तो ये फर्स्ट पे होती.
Because I had a different one to choose for the first and second position. Okay, hypnotic poison. मैंने इसे स्प्रे करी है. कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इसके बारे में आपको बतानी है. नाउ हिप्नोटिक पॉइजन का जो है वो है एम्बर वनीला फ्रेग्रेंस है ये. ओके बेसिकली या इस फ्रूटी इस पाउडरी वुडी फ्रेग्रेंस है. ओके और वैसे ही मैंने एक्सपेक्ट भी करी थी. नाउ इसके अंदर आपको वापस कोकोनट मिल जाता है. सो इफ यू आर नॉट लाइकिंग कोकोनट, हिप्नोटिक पॉइजन भी आपके लिए नहीं है. इसके टॉप नोट्स में ही कोकोनट मिल जाता है विच हैज़ कोकोनट प्लम्प एंड एप्रिकॉट का टॉप नोट. ओके मुझे इतनी प्लम्प तो नहीं आती है, एप्रिकॉट एंड कोकोनट की इस वाले में आई मुझे फ्रेग्रेंस. मिडल में यू हैव रोज वुड, जैसमिन, ट्यूब रोज एंड रोज. नाउ दिस सेकेंड जो लेयर है इसका, मिड का जो नोट्स है वो मुझे नहीं पसंद आया एंड इतना इम्प्रेसिव नहीं है. ओवरपावरिंग हो जाता है रोज, ट्यूब रोज भी है, रोज वुड भी है, रोज भी है एंड आई एम नॉट द पर्सन हु लव्स रोज एंड दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा डाउन चला गया फोर्थ पोजिशन पे. एंड द बेस नोट हैज एलमंड, वनीला, सैंडलवुड एंड मस्क. जब वो मिड से अपने ड्राई डाउन पे जाता है, अपने बेस नोट पे जाता है, दैट इज वॉट आई लव अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, एलमंड वनीला. इट इज रियली वेरी रॉकिंग एंड ये एक हिप्नोटिक पॉइजन एवरी वन के बस की बात नहीं है, ये मैं आपको कह दूँ. इट्स ब्यूटिफुली ब्लेंडेड आउट हियर, इट्स कैप्टिवेटिंग, इट्स मैजिकल फ्रेग्रेंस. हाँ बहुत ही मैजिकल है, डार्क है, मिस्टीरियस है, बट सेंशल भी है. बट इट्स नॉट दैट के एवरी वन कैन लाइक दिस फ्रेग्रेंस. सो मुझे पसंद आई है, आई एम 50-50 टूवर्ड्स दिस फ्रेग्रेंस. बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थे, इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस पे ये कम्प्लीटली उतरी नहीं है, बट फिर भी इट्स अ नाइस वन एंड आई लाइक इट. ओके कमिंग टू द लास्ट वन, फिफ्थ वन जो आई है पोजीशन पे वो है जिडोर. एंड जिडोर जो है मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, मुझे बहुत सुना था इस फ्रेग्रेंस के बारे में. आई गेव इट अ ट्राई, इट केम इन दिस काइंड ऑफ ग्रीन कलर लिक्विड. ओके एंड इसे स्प्रे कर लेते हैं. I'll tell you what I don't like about this fragrance immediately. The very first thing I smell this fragrance और मुझे ना बिल्कुल जन्नत अल फिरदौस का अत्तर लगा ये, because I know that fragrance very perfectly and ये मुझे completely अत्तर vibes दिया. ये जो इत्तर होता है उसका vibe आया मुझे इसमें से, and I was not expecting something like that from Jidor. सो ये एक फ्लोरल फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, बट इसके टॉप नोट्स में मेंशन है, लाइक आई गिव यू द ओरिजिनल थिंग्स हियर. सो टॉप नोट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे पेयर है, मेलिन है, मैग्नोलिया, पीच, ऑरेंज एंड बर्गोमॉट, विच आई डिड नॉट फाइंड अ सिंगल ट्रेस ऑफ एनी ऑफ दिस. मतलब मुझे बिल्कुल ही खस वाला जो इतर होता है वैसी लगी है एंड कलर भी उसका ग्रीन है. गॉट द होल कॉम्बिनेशन ऑफ खस, इत्र या फिर आप जन्नतुल फिरदौस का मिक्सचर कह दो, वैसी लगी मुझे ये. बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई ये वाली ऑन द टॉप नोट. जैसे मिड नोट में भी बहुत ही ज़्यादा इत्र वाइब आ रहा है इसमें. मिड नोट्स में यहाँ पे मैंशन है इन द ओरिजिनल दैट इट हैज़ जैसमिन, लिली ऑफ द वैली, ट्यूब रोज, फ्रीजिया, रोज, ऑर्किड्स, प्लम्प एंड वायलेट्स. वेयर आर द ऑर्किड्स, वेयर आर द वायलेट्स? Not at all, not at all. I'm not getting anything. Okay, मुझे ना लिली ऑफ द वैली मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है. सिर्फ कह सकती हूँ ट्यूब रोज एंड जैसमिन की आ रही है बस. एंड बेस में यू हैव मस्क, वनीला, ब्लैकबेरी एंड सिडार. दे हैव टोटली फेल्ड इन क्रिएटिंग जिडोर, आई एम श्योर, बिकॉज जो इसके नोट्स हैं ये बिल्कुल मैच नहीं किए हैं जो मैंने स्प्रे किया उससे. और दिस हैज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन मी इस वाली फ्रेग्रेंस से. इट्स वेरी चीप इत्र जैसा ये स्मेल किया एंड दैट्स वाई आई विल नॉट रिकमेंड यू टू ट्राई द जिडोर. डियोर का जिडोर बिल्कुल ट्राई नहीं करना. मैंने आपको चारों बताई बहुत अच्छी है. इफ़ मेरे रिकमेंडेशन पे अगर मैं कहूँ आपको, तो आप कोको मेडमोज़ेल एंड लैंकॉम का लावियर बेल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. डियर फ्रेंड, दैट वॉज इट अबाउट प्लैटिनम परफ्यूम्स, द ट्यूब हाउस ऑफ लग्जूरियस एंड प्रीमियम परफ्यूम्स. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, तो आपको करना है लाइक. इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करो यार वीडियो को देखने के साथ साथ. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो येस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन. उस सब्सक्राइब बटन को हिट करो ताकि आप मेरी फैमिली में ज्वाइन हो सको और आगे कोई भी वीडियो मिस ना कर सको. उसके लिए छोटी सी बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है. तो आपको सुपर सुन अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना. बाय बाय.